हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में, जो कि एक्सटर्नल ईयर का डिजीज है। इसके पहले हमने फरंकुलोसिस और पेरिकोंड्राइटिस पढ़ा था, जो कि वो भी एक्सटर्नल ईयर का ही डिजीज़ था। तो फरंकुलोसिस में हमारा जो है ईयर कैनाल का कार्टिलेजिनस पार्ट इन्वॉल्व था, लेटरल 1/3, और पेरिकोंड्राइटिस में क्या था, कार्टिलेजिनस पार्ट इन्वॉल्व था, पिन्ना जिसमें आता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा पूरा एक्सटर्नल ईयर इन्वॉल्व है, मतलब पिन्ना से लेके पूरा ईयर कैनाल, मतलब तुम्हारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इपिडर्मल वॉल तक। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या है, इन्फ्लामेशन एक्सटर्नल ईयर का, कहाँ से लेके पिन्ना से लेके पूरा ईयर कैनाल होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इपिडर्मल वॉल तक, जो सबसे बाहर का वॉल होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसी को इपिडर्मल वॉल कहते हैं। वैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 3 वॉल होते हैं। तो देखो, इसको स्विमर्स ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंगाई होता है, अगर उसको मॉइस्चर मिले तो उसको क्या होता है, ग्रोथ करने बहुत आसानी होती है, तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैला देता है। तो जो लोग अक्सर हमने देखा कि स्विमिंग करते हैं नदी में, तालाब में, या फिर किसी गंदे पानी में, तो क्या होता है, बार बार हमारा कान जो है एक्सपोज होता है, और पानी कभी कभी कान के अंदर चला जाता है, और अगर रुक जा रहा है पानी तो मॉइस्चर, जितनी देर तक मॉइस्चर बना रहेगा वो बैक्टीरिया फंगाई को हेल्प करेगा। तो इसलिए ये बीमारी जो गांव में अक्सर कॉमन होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग गंदे पानी में अक्सर नहा लेते हैं, जैसे कि तालाब वगैरह में, तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। स्विमिंग पूल में भी जो लोग नहाते हैं उनमें भी ये डिजीज़ कॉमन होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग पानी में जाते हैं उनमें ये बीमारी कॉमन है। तो जैसे कि हमने जानते हैं कि हमारे कान में एक ईयर वैक्स बनता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये कान का क्या है, कचड़ा है, तो उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ईयर वैक्स क्या करता है, हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल या पैथोजन इंटर करता है तो ईयर वैक्स उसमें उसको फंसा कर रोक देता है, जिससे क्या है, ताकि वो आगे जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज ना कर पाए। लेकिन अक्सर क्या लोग गलती करते हैं कि वो किसी भी चीज़ से कान को साफ़ करने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे कि वो पेन हुआ, पेंसिल हुआ, या फिर तुम्हारा कॉटन का ईयरबड, जो क्या करता है, जो यहाँ तुम्हारा वैक्स प्रेजेंट होता है उसको और अंदर भेज देता है। या फिर कभी कभी क्या करते हैं कि जो तुम्हारी स्किन है, जो ईयर कैनाल की स्किन है, उसमें रप्चर आ जाता है, मतलब कंटिन्यूटी स्किन की जब लॉस हो जाती है, तो रप्चर आने की वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा बैक्टीरिया और फंगाई है वो इस रप्चर के द्वारा अंदर इंट्री ले लेता है। क्योंकि जो स्किन की जो लेयर है, यहाँ पे ईयर कैनाल में जो स्किन की लेयर है वो बहुत ही पतली होती है, तो आसानी से उसमें क्रैक आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इंट्री ले लिया तो फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और फिर उससे भी ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है। तो ये डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें तुम्हारा ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बैसिलस प्रोटियस, स्यूडोमोनास, ये सब इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाकी इसमें तुम्हारा कैंडिडा और एस्पर्जिलस भी होता है, जो कि फंगाई है। तो मॉइस्चर ही क्या करता है, हेल्प करता है इनको ग्रो करने में। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो जो ईएसी है, इसमें तुम्हारा ईयर कैनाल में एक सेरुमिनस ग्लैंड होता है, जो क्या करता है, सेरुमेन बनाता है। सेरुमेन वही ईयर वैक्स, जो जिसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। अगर बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है या फिर कोई इंसेक्ट इंट्री ले रहा है, तो उसको फंसा कर उसी में रोके रहता, मतलब रोक देता, ताकि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज ना कर पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर पानी जा रहा है तो क्या करता है, ईयर वैक्स को हटा देता है वहाँ से, या फिर बहुत ज़्यादा अगर पसीना हो रहा है उसकी वजह से भी ईयर वैक्स हट जाता है। तो ईयर वैक्स हटने की वजह से क्या होता है, तो क्योंकि ईयर वैक्स का जो पीएच क्या था, वो एसिडिक पीएच था, तो उसके हटने की वजह से क्या होता है, पीएच में अल्ट्रेशन होने लगता, मतलब पीएच चेंज होने लगता है। एसिडिक नेचर, जो एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता था, वो ग्रोथ को रोकता था, लेकिन अब पीएच चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन आसानी से हो जा रहा है। जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म आके इन्फ्लामेशन कर दे रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर इपिथीलियल डैमेज होने लगता है, तो जिसकी वजह से फिर सेरुमेन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और मॉइस्चर बढ़ने लगता है, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, किसका, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का।
बाकी तुम्हारा देखो इसमें क्या है, नैरोइंग होने, जब इन्फ्लामेशन होगा तो नैरोइंग होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और डिस्चार्ज भी होता है, और क्या होगा जो एयर का कंडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, तो पर्सन को कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने लगता है इसमें। अगर हम देखो क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर में हमें दो फेज मिलेगा, एक एक्यूट फेज और एक क्रोनिक फेज। तो देखो एक्यूट फेज की अगर हम बात करें तो इसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा, हॉट और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कान बिल्कुल जल रहा है, और जब पर्सन अपना जॉ मूव करेगा, मतलब चबाने के लिए, खाना खाने के लिए अगर जॉ मूव कर रहा है, तब भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और शुरू में जो डिस्चार्ज होता है सीरियस डिस्चार्ज होता है, मतलब बहुत पतला डिस्चार्ज होता है, क्लियर कह सकते हैं, लेकिन बाद जैसे जैसे ऐसे मतलब इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रो मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, थिक और पुरलेंट डिस्चार्ज बाद में हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें मियटल लाइनिंग की, तो मियटल लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है और सोलन हो जाती है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, जो स्किन है पतली होती है, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है और सोलन हो जा रहा है, तो दर्द भी होता है। बाकी अगर हम बात करें डेब्रीज का और डिस्चार्ज का कलेक्शन होने लगता है मियटस में, और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, कंडक्टिव हीरिंग लॉस होने लगेगा, क्योंकि एयर का कंडक्शन क्या है, कम हो जा रहा है धीरे धीरे, तो इसकी वजह से कंडक्टिव हीरिंग लॉस होने लगता है। बाकी अगर हम बात करें एक्यूट फेज में सीवियर केस में क्या होता है, जो रीजनल लिम्फ नोड है तुम्हारे वो इनलार्ज हो जाते हैं और उसमें टेंडरनेस आ जाती है, मतलब टच करने पे दर्द होता है, जैसे तुम्हारा प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड और पैरोटिड लिम्फ नोड तुम्हारा आता है। अगर हम क्रोनिक फेज की बात करें, देखो अगर 6 वीक से कम है, 6 वीक से कम, लेस देन 6 वीक तो उसको एक्यूट फेज कहते हैं, और मोर देन 6 मंथ है तो उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक फेज। तो क्रोनिक फेज में तुमको इरिटेशन मिलेगा, इरिटेशन मिलेगा, और जो है पर्सन का बार बार मन करेगा कि कान को खुजाने का मन करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका मन करेगा कान को खुजाने का, वो कान में कुछ ना कुछ डाल के पेन या फिर फिंगर के नेल से ही खुजाने लगेगा, जिसकी वजह से फिर क्रैक आएगा और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और देखो इसमें स्कैंटी डिस्चार्ज होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के डिस्चार्ज होता है, जो कि बाद में फिर ड्राई होकर क्रस्ट बना देता है। और जो मियटल स्किन, इसमें भी तुमको थिक और सोलन देखने को मिलेगी। बाकी कभी कभी क्या होता है, स्केलिंग और फिसरिंग होने लगता है, मतलब वो उचड़ने लगती है। और रेयरली क्या होता है, स्किन में हाइपर ट्रॉफी होने लगता है, मतलब स्किन की साइज इंक्रीज करने लगती है, जिसकी वजह से मियाडल स्टेनोसिस होता है, मतलब नैरोइंग होने लगता है, जो ईएसी है ये और ज़्यादा नैरोइंग होने लगी। अगर इसका हाइपर ट्रॉफी हो रहा है स्किन का, तो ये देखो और बढ़ने लगेगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी नैरोइंग होगी, और जितनी नैरोइंग होगी पर्सन को उतना ज़्यादा ही कंडक्टिव हियरिंग लॉस बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे पर्सन को सुनाई होना बंद कर जाएगा। तो टाइम रहते इलाज करने की ज़रूरत होती है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे हम करते हैं, ओटोस्कोपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो जो तुम्हारी स्किन है सोलन रेड, ईयर कैनाल और पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। बाकी देखो इसमें भी तुमको सोलन ईयर कैनाल देखने को मिल रहा है, और ये जो वाइट वाइट देख रहे हो फंगल इन्फेक्शन है, फंगाई ग्रो कर चुके हैं पूरी तरह से। बाकी अगर इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो देखो जो एक्यूट फेज और क्रोनिक फेज दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। एक्यूट फेज में सबसे पहले ईयर टॉयलेट का यूज़ करते हैं, और ईयर टॉयलेट में मोस्टली तुम्हारा कहाँ ध्यान देंगे, एंटेरो इन्फीरियर मियटल रिसेस, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैक्स इकट्ठा यहीं होता है, ये जो देखो तुम्हारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये वाल है नीचे की वाल, इन्फीरियर वाल है ईयर कैनाल की, ये जो एक जगह से बन रहा है इसी को कहते हैं एंटेरो इन्फीरियर मियटल रिसेस, जहाँ की सबसे ज़्यादा वैक्स इकट्ठा होते हैं। तो ईयर टॉयलेट के दौरान यहीं से वैक्स ज़्यादा इकट्ठा होते थे, यहीं पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और ईयर टॉयलेट कैसे करते हैं, ड्राई मॉपिंग के द्वारा करते हैं, या फिर सक्शन क्लियरेंस से कर सकते हैं, सक्शन के द्वारा खींचते हैं उसको, या फिर क्या करते हैं स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, सलाइन वार्म स्टेराइल वाटर, उसके द्वारा इरीगेट करते हैं कैनाल को। और उसके बाद अगर ईयर टॉयलेट से एक बार डिब्रीज को साफ कर लिया, फिर देखो मेडिकेटेड विक्स का यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं एक गौज विक, एक विक क्या है, एक कॉटन की गौज आती है पतली सी, उसको फोल्ड करके उसमें दवा डाल के उसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो क्या करता है उसमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें क्या करते हैं स्टेरॉयड प्रिपरेशन डालकर रखते हैं, और पर्सन को कहते हैं कि बार बार ड्रॉप डालते रहो, जिससे वो जो गौज डाला गया है कॉटन का वो मॉइस्ट रहे, तो क्या करेगा वो
दवा धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा और इन्फेक्ट जो जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। तो कहते हैं कि 2 या 3 बार दिन भर में डालते रहें, और 2 से 3 दिन बाद फिर जो विक डाला है हमने उसको हम बदल देते हैं। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं विक, तो ये देखो, ये नैरो हो गया है ईयर कैनाल, और ये देखो विक है, एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल कह सकते हो। इसको इंसर्ट करते हैं अंदर, तो इंसर्ट करते समय भी काफ़ी पेन होता है। तो इंसर्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, ऊपर से ईयर ड्रॉप डालते हैं, दिन भर में 2-3 बार डालते हैं, ताकि जो है ये इन्फ्लामेशन को कम कर सके। स्टेरॉयड डालते हैं और एंटीबायोटिक भी डालते हैं कभी कभी। तो देखो इन्फ्लामेशन जब कम कर देगा तो उसी वजह ये, और ये जो तुम्हारा 2 से 3 दिन में हमेशा बदलते भी रहते हैं इसको, जो इन्फ्लामेशन को कम कर देगा, तो ये जो हमने डाला था विक ये अपने आप नीचे गिर जाता है। फिर इसको ENT डॉक्टर जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका यही काम होता है विक का, बाकी इसको 2 से 3 दिन में हमेशा बदलना भी पड़ता है। तो अक्सर आपने देखा होगा लोग कान में डाले रहते हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या था, मेडिकेटेड विक, एक्यूट फेज में ये टॉयलेट मेडिकेटेड विक था, और उसके बाद एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि एक बस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो इसे हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो है सेलुलाइटिस और जो लिम्फेडेनाइटिस हुआ है उसको भी कम करने की कोशिश करें। बाकी पेन के लिए एनाल्जेसिक यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रोनिक फेज के बारे में, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो क्रोनिक फेज में आएगा। और इसमें उद्देश्य क्या होता है, इसमें भी वही होता है, मिएटल में स्वेलिंग है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जब तक मिएटल्स की स्वेलिंग कम नहीं होगी तब तक हम ईयर टॉयलेट का यूज, जब तक देखो मिएटल में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई रहती है, जब स्वेलिंग हुई रहेगी तो अंदर ये जो यहाँ पे तुम्हारा इकट्ठा हुआ वैक्स इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो पहला लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य है कि स्वेलिंग को कम किया जाए, ताकि जो है ईयर टॉयलेट का तभी यूज करके जो है ये जो वैक्स इकट्ठा हुआ है इसको निकाल सकते हैं। तो दो मतलब तुम्हारा उद्देश्य यही है मेन, मिएटल स्वेलिंग को कम करना ताकि हम इफेक्टिवली जो है ईयर टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, और एलिवेशन ऑफ इचिंग मतलब इचिंग जो हो रही है उससे रिलीफ दिलाते हैं। और रिलीफ कैसे हम दिलाएंगे, मेडिसिन का यूज करके, क्योंकि जो है इचिंग बार बार होगी तो पर्सन ना चाहते हुए कान को खुजा देगा, और जिसकी वजह से फिर स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रेक आएगा, तो फिर और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा और इन्फेक्शन कराएगा। और इसमें तुम्हारा एक गौज यूज करते हैं जो कि भीगा हुआ होता है 10% इस्थेमॉल ग्लिसरीन में। इस्थेमॉल ग्लिसरीन क्या करता है, ये भी तुम्हारा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, और ग्लिसरीन तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ही। तो ये क्या करता है, ईयर कैनाल में डालते हैं इसको, और ये भी फिर स्वेलिंग कम करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे तुम्हारा इसमें गौज डाला गया था ऐसे ही इसमें डालते हैं विक। बाकी इसके साथ ही हम क्या करेंगे, देखो जब इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा उसके बाद ईयर टॉयलेट का यूज़ करेंगे, और जो वैक्स इकट्ठा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और मेन ध्यान तुम्हारा वही फिर एंटेरियर इन्फीरियर मिएटल लेसेस में ध्यान देते हैं। बाकी देखो इचिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो इचिंग हो रही है उसके लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टेरॉयड क्रीम देते हैं, उसको अप्लाई करते हैं तो उससे इचिंग कम होती है। और देखो अगर मिएटल स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, कहाँ से, पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से, और जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं काम नहीं कर रहा है, मतलब वो जो है मतलब पतला ही नहीं हो रहा है, जो सूजन है कम ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली एक्सीजन करना पड़ेगा, मतलब सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रोनिक स्टेनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना, मतलब लंबे समय से ओटाइटिस एक्सटर्ना था और स्टेनोसिस हो गया है, मतलब नैरोइंग हो गई है ईयर कैनाल की। तो इसमें हम सर्जरी के द्वारा करते हैं बोनी मिएटस को जो कि वाइड हो चुका है उसको ड्रिल करते हैं और लाइन करते हैं किसी स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट के द्वारा। तो ये था तुम्हारा क्या, ये था डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।